बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट शॉर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश खान और मेरे साथ मौजूद हैं हमीद राजा मेमन। आज बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है। हम आपको मजीद बताएंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक जो मैचेस खेले गए हैं, कितनी दफा जीत पाकिस्तान के नाम रही और कितनी दफा जीत न्यूजीलैंड के नाम रही। बिल्कुल, हेड टू हेड की बात करेंगे। अगर हम ऑलमोस्ट इवन क्रिकेट में बात करें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 28 मैचेस अभी तक खेले जा चुके हैं। तो 28 मैचेस T20 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा दानिश भाई अभी तक भारी है। 17 मैचेस पाकिस्तान ने विन किए हैं और 11 मैचेस सिर्फ न्यूजीलैंड ने विन किए हैं। अगर हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं, जहां पर कल सेमीफाइनल पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाने वाला है, तो उन दोनों टीमों के दरमियान अभी तक कोई भी मैचेस वहां नहीं खेला गया दानिश भाई। अच्छा, यानी कल जो मैच खेला जा रहा है वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, वो पहला मैच खेला जा रहा है। बिल्कुल, सिडनी में अगर हम बात करें तो ये दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच खेला जा रहा है और अभी तक इन दोनों टीमों के दरमियान एक भी मैच, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ। जो भी मैच खेला गया है उसका रिजल्ट निकला ही मैच का अभी तक। बिल्कुल, अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 5 मैचेस के अंदर सिर्फ एक मैच न्यूजीलैंड जीती है, जबकि 4 में जीत पाकिस्तान के नाम रही। इसके अलावा अगर T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें 6 दफा आमने सामने आई हैं, जिसमें सिर्फ 2 दफा न्यूजीलैंड ने मैच जीता है, जबकि 4 दफा जीत पाकिस्तान के नाम रही। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का पलड़ा अभी तक काफी भारी है, लेकिन वही बात है, क्रिकेट है, नया दिन होता है। जो उस दिन अच्छा खेलेगा देखें रमीज, वही जीतेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, न्यूजीलैंड की टीम काफी बेहतरीन टीम है, काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है और इस वर्ल्ड कप की मैं समझता हूँ कि फेवरेट टीमों में से एक टीम, फेवरेट टीम भी है और अभी इस वर्ल्ड कप की अनबीटन टीम है। एक मैच सिर्फ ड्रॉ हुआ है, उसके अलावा कोई भी मैच ये खुद नहीं हारी है। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इन टीमों की, इनकी टीम की, लेकिन इनका बैड ट्रैक रहता है कि ये आगे तक ये क्वालिफाई नहीं कर पाते। बिल्कुल, अगर वेदर की बात करें रमेश, कोई इम्कान है बारिश के? लोग सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए अभी तक तो कोई नहीं भी, अगर रिपोर्ट आ रही है तो वेदर की तो कोई अपडेट नहीं है उसमें, मतलब बारिश वगैरह का कोई इम्कान नहीं है। सही, तो वेदर की तो कोई नहीं। अगर हम इनकी स्टेट्स के ऊपर बात करें कि पहले कौन सी टीम बैटिंग करते हुए जीती है और कौन सी टीम पहले बॉलिंग करते हुए जीती है, तो अगर हम उस बारे में बात करें। बिल्कुल, अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पहले बैटिंग करते हुए 9 दफा जो मैच जीती है वो पाकिस्तान की टीम जीती है, जबकि 5 दफा सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम जीत पाई है फर्स्ट बैटिंग में। और अगर सेकंड बैटिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम जीती है 6 दफा और पाकिस्तान की टीम जीत पाई है 8 दफा। तो बिल्कुल ये सही कब ये आपने बताया कि अगर हम दोनों की बात करें तो पाकिस्तान के इसके अंदर भी पलड़ा भारी है। अगर हम दोनों के दरमियान बात करें कि दोनों के जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है, इनकी जानिब से किसने ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर किए हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो केन विलियमसन इनके प्लेयर हैं, इन्होंने 538 रन अभी तक बनाए जो कि न्यूजीलैंड के हाईएस्ट स्कोर हैं। और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 563 रन बनाए हैं। मोस्ट विकेट टेकर बॉलर की बात की जाए तो टीम सऊदी है न्यूजीलैंड की जानिब से, जिन्होंने 28 विकेट्स हासिल की, जबकि शाहिद आफरीदी पाकिस्तान की जानिब से न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। तो दानिश भाई, न्यूजीलैंड को इस चीज का एडवांटेज होगा कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं वो भी अभी टीम के अंदर मौजूद हैं, केन विलियमसन बॉलर हैं, टीम सऊदी ये भी मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर जो दोनों इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं, और ये देखें रमेश क्या हुआ, अगर शाहिद आफरीदी नहीं है तो हमारे पास शाहीन आफरीदी तो मौजूद है, हमारे पास नसीम शाह तो मौजूद है, वैसे तो हमारे पास बाबर आजम भी मौजूद है और आसिफ अली भी मौजूद है, और बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन मैथ्यू हेडन का एक अहम बयान आया है और वो कह रहे हैं कि जो बाबर आजम है वो कल के मैच में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी गट फीलिंग यही है कि इंशाल्लाह कि वो कुछ अपना एक परफॉर्म करेंगे। नो डाउट वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बैड लक चल रहा है उनका, तो कल देखते हैं इंशाल्लाह किस तरह परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो रमीज, रोहित शर्मा भी इस वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, हालांकि वो भी कप्तान है। ये सब पर टाइम आता है। अगर इससे पहले देखें तो विराट कोहली के ऊपर भी ये टाइम आया था, तो उनको भी काफी कहा गया था, मगर अब आप देखें विराट कोहली वापस फॉर्म में आ चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम कल के मैच में कुछ नहीं, बाबर आजम का काफी वाबस्ता उम्मीद है। अगर हम चारों टीमों की बात करते हैं जो सेमीफाइनलिस्ट हैं,
तो चारों टीमों को जो कैप्टन हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा, सिवाय जॉस बटलर के, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बेहतर है। बाकी अगर हम क्या ये वर्ल्ड कप में जो हमारे कप्तान है बकरे वगैरह का सबका देकर नहीं आया, क्या कहते हैं, क्या वजह है? देना पड़ेगा बकरे का सबका। ये बात रमीज मैं समझता हूँ कि बात ना बकरों से तो आगे निकल चुकी है, मटन में चले गई है, ये जाना पड़ेगा इनको ब्रोई होटल पर, ब्रोई होटल पर जाना पड़ेगा इनको, हमें साथ लेके जाना पड़ेगा इनको, बिल्कुल। ये वरना ऐसे ही काम चलता मुझे नजर नहीं आ रहा, और काफी यकीन जानिए कि क्रिकेट शायकीन की जानिब से काफी ट्रोल किया जा रहा है कप्तान को, इसके साथ साथ अपना विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को। तो देखना होगा कि कल के मैच में ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं, और उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर पूरे करवाएं, और ताकि हम आपके लिए मजीद वीडियोस लेकर आए। रमीज कुछ कहेंगे? जी, बस मैं यही कहूंगा कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं काइंडली तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार फिर आपको वही जो हमने अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर भी कहा था कि हम किसी वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं, बड़ा दुख है, हमें खुद बहुत बेचैनी से इंतजार है कि हमारी कुछ मजबूरी है, इंशाल्लाह वो कुछ दिन बाद हम दोबारा आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा हालांकि बहुत दिल कर रहा था कि हम आपके साथ इस वर्ल्ड कप में लाइव आए, आपको मैच के का जो स्कोर कार्ड है क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, बस आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें और इसी तरह मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, हमें सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमें आपसे किसी चीज की नीड नहीं है, आप इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, आप फर्स्ट वीडियो देखें और अब वीडियो देखें, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, तो आप हमें काइंडली बता सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जरूर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।